जगमोहन की मौत हुई थी, 4 बजे सेलिंग शुरू हुई थी, 8 बजे बंद हो गई। फिर लोग बाहर निकलने लगे, ये भी निकले सर, थोड़े से बाहर निकले तो वैसे ही सेलिंग शुरू हो गई। तो फिर उनकी इधर कोई मदद मिल जाती डॉक्टर की तो मैं बच जाने से। वो बॉर्डर एरिया सबसे अनसेफ है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे हुए हैं, बोला कि हम बंकर्स बनाएंगे, हमने इतने बंकर्स अलॉट कर दिए, तो अभी तक मुझे नहीं लगता 4.5 साल में इस गवर्नमेंट में हमारे बंकर्स कंप्लीट नहीं हुए। तो 4.5 साल में ऐसा कौन सा ये लोग खजाना ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर बेल्ट पे कि इनके बंकर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे? ये लोग क्या करते हैं कि अपना वर्क करते हैं, गवर्नमेंट प्रॉमिसेस कर देती है बट ठेकेदारों पर नज़र नहीं रखते। पहले तो मैं मोर्चे की गल करना जी, जिन्हें नहीं एक मिनट, जिन्हों ने यह बैग उत्थे स्कीम बनाई उन्होंने कदम बंबा आवाज नहीं सुनया कि हो जाता। मेरी गल सुन, अं इतने आ बच्चे लैके बढ़ जाने, इतने बंब फैंदा साढ़े बच्चे मर जाएंगे, जब उनके दिमाग फट जाएंगे सानू सूटी भी पता बन गई। अच्छा एक क्या मोर्चा है, गरीब बंदे ने मेहनत करके 5-10 लाख की कोठी बनाई दी है, वो टुट जाती है, मोर्चे बढ़ के करेगा? ट्रैक्टर खिलाड़े इतने पिछले साढ़े ट्रैक्टर ट्रैक्टर उठ गया, 11 लाख का ट्रैक्टर आंदा उठ गया, वह की दिता? इतने 80-90 हज़ार जो मुंडे की मझ ही तो मेरू 20 हज़ार भी नहीं दिता, मझ बेचारी मर गई। जो कम्युनिटी बंकर है वहाँ मोन्टी बनी है, और जो इंडिविजुअल बंकर हैं जो घरों में बंकर बने हैं वहाँ पे उनकी मोन्टी नहीं है। इवन की मीडिया में भी ये कंप्लेन की थी लोगों ने, हमारे इवन की गवर्नर साहब तक ये रिपोर्ट पहुँचाई है गाँव के लोगों ने। राजनाथ सिंह जी हैं हमारे बीजेपी के, कहते हैं हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। अरे यहाँ पर आके देखिए फिर दीजिए मुंह तोड़ जवाब, यहाँ पर बॉर्डर बेल्ट पे आके रहें तो सही, कम से कम एक रात बिताएं तो सही, कैसे हम यहाँ पर रहते हैं? कुछ यहाँ पर ऐसे अनकल्टिवेटेड एरियाज हैं जहाँ पे शेलिंग हुई है, और गवर्नमेंट के जो इनकी आर्मी है जो वो वहाँ पे जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। शेलिंग हुई है वहाँ पर, डिफ्यूज़ नहीं किए हैं, कुछ कुछ ऐसी जगह पर हैं वो ज़्यादा ज़मीन से नीचे चले गए हैं, और वहाँ पर वो कहते हैं खड्डा खुद खोद के दो तो फिर हम डिफ्यूज़ कर देंगे। ऐसा कुछ तो इनको चाहिए, कोई ना कोई एक अल्टरनेट कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे जमींदार अपनी फसल तो बो सके कम से कम। ये हमारा कम्युनिटी बंकर है, आप इसको देख सकते हो, ये कितना सेफ है इसको चेक कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि कम्युनिटी बंकर के अंदर एक वॉशरूम है, एक किचन है, तो इसके अंदर क्या चीज़ उन्होंने दी है अभी तक? जो वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी 2800 वोटर है, राइट? तो आप देख लीजिए, वोटर होता है आप 18+, राइट? 18+ अगर 2800 हैं तो बाकी वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? तो 5000 का गांव रख के चलिए, 5000 के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे 1000 की भी फैसिलिटी इनको दी गई है, तो 5000 कहाँ संभालेंगे हम लोग? अगर ये कम्युनिटी बंकर ऐसे 4 दिए तो कितने घर हम लोग इसमें समा सकते हैं? हार्डली 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो इंडिविजुअल ऐसे दे रखे हैं, वो लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते, शेलिंग से नहीं मरेंगे, यहाँ पे घुट के मर जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम बना रखा है। गवर्नमेंट ने जो इंडिविजुअल बंकर जो भी दिए थे इनके ऊपर मैंने 3 बार पहले भी बोल दिया है कि इनको मोंटी चाहिए थी। पहला नंबर तो मोंटी तो चाहिए थी, मगर हमारे इधर 5000 लोग होंगे कम से कम भी हमारे गाँव में, इन्होंने 50 बंकर भेजे हैं जिनमें साल लगा दिया, इन्होंने अभी तक मेरे ख्याल में 25 बने होंगे। तो वो जो पाकिस्तान वाले हैं वो थोड़ी देखेंगे कि इधर 25 बने हैं या 2 बने हैं, जो 100 जो 5 साल का टाइम थोड़ी देगी पाकिस्तान इनको कि 5 साल में आप बंकर पूरे करो तो हम फिर फायर करेंगे। वो तो कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, और हर घर को मोर्चा देना चाहिए था। जे नहीं एक को मिला है तो दूसरा जो है 1 किलोमीटर के ऊपर मिलेगा तो वहाँ तक कैसे जाएगा दूसरा? एक दूसरे के घर में जाने के लिए टाइम नहीं होता है, जब भी शेलिंग होती है, शेलिंग की इतनी ज़्यादा होती है जैसे बारिश पड़ती है इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है इधर। दूसरा नंबर ये जो है मोर्चा बना हुआ है, इतनी ज़्यादा हाइट इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरग्राउंड होना चाहिए था जो हर घर की ज़रूरत पूरी कर सके। जैसे बना दिया इन्होंने, जैसे वो शो पीस बनाते हैं ना किसी को दिखाने के लिए, लोग दिखावे के लिए, ऐसा ही गवर्नमेंट ने कर दिया है। बीजेपी ने भी बहुत ज़्यादा वादे तो किए थे, हर कोई वादे करके चला जाता है, काम नहीं कोई भी करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात आती है सीवरेज की, आर्मी ने क्या किया हुआ है, गांव के चारों तरफ एक डिच खोद रखी है, ठीक है। 70 ईयर से यहां पे लोग रह रहे हैं, 70 ईयर से उनके घरों का पानी उस नाले में जा रहा है, इन्होंने वो नाले मिटा के अपने डिच में कन्वर्ट कर लिए, राइट? अब वो डिच में पानी जा रहा है,
तो अब इन लोगों को वो डिच की खुदाई करनी है। खुदाई करते टाइम मेरे पास आए कंप्लेन लेके, माम आप लोगों के घरों को पानी बंद करवा दो। तो मैंने सिंपल ये चीज़ बोली, कॉमन सेंस है, मैं कैसे पानी बंद करवाऊँ आप बताइए। मैंने उनको ये चीज़ बोली, सर कोशिश करते हैं इसका सीवरेज जो अंडरग्राउंड कर देते हैं, ठीक है, विलेज का सीवरेज अंडरग्राउंड हो जाएगा, आप लोगों की डिच भी बच जाएगी, आपकी मेहनत तो बच जाएगी, हम लोग सेफ हो जाएंगे। इन्होंने पानी बंद कर दिया, 2-3 दिन बारिश आई, पूरा गांव डूबने के कतार पे आ गया। मैंने जाके आर्मी वालों को बोला कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। सुना मैम, 2-3 घंटे में हम आपको रिप्लाई करते हैं। तो आज 3रा दिन है, अभी तक मैं उनके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ।